सारी जी मतलब एक दो बार मुझसे बात किए, बोले कि सर हम लोग को रूम खाली करना है, तो बोले कि जब तुमको मुंबई आना होगा तो हमसे कॉल करके बता देना, हम टिकट करा देंगे। फिर हमने बाद में कॉल किया, मैसेज किया, कोई रिप्लाई उन्होंने नहीं दिया। नमस्कार। नमस्कार प्रणाम जी। हाँ, तो आप लगातार दो तीन दिनों से लगातार कम से कम ना 100 एक लिंक आया है। श्याम देहाती जी का पत्नी का इंटरव्यू चल रहा था, इसके बाद लोगों का रिक्वेस्ट आया कि भैया आप भी कुछ बोलिए। हालांकि भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ा मामला हो और मगहिया जवान उस पर कुछ नहीं कहे तो ऐसा हो ना सकता है। इंतजार रहता है, लोगों का इंतजार रहता है कि मगहिया जवान पूरा का पूरा स्पष्ट कर देगा। स्पष्ट करेगा, जो ही बचाएगा सच बताएगा। जी हाँ, हम कहानी कह आए हैं घड़ियाली आंसू बहाने वाले मसूरी लाल यादव जी का, समझे कि नहीं। आप देखें, अमरजीत जी का दो बच्चे जो आर्मी के जवान गुजरात में दंगे में मारे गए थे, उसका उस समय पूरे फैमिली को परिवार को संभालने का वादा करके भी और कुछ ना किया, तो ये तो जानवे करते हैं। अब बात आता है श्याम देहाती जी पे। खेसारी लाल यादव भी होता है कि उनसे मतलब ऐसे हाल चाल पूछो, बात करूँ, अपना प्रॉब्लम उनसे बताऊँ, तो मैं कितना भी कॉल करूँ, मैसेज करूँ, उन्होंने रिप्लाई नहीं देते। सुन लिए, श्याम देहाती एक राइटर है, उनकी पत्नी थी, और श्याम देहाती का निधन कोरोना काल के समय में हो गया था। भोजपुरी इंडस्ट्री का ऐसा कोई कलाकार नहीं जो इनके पोस्ट को श्रद्धांजलि ना दिया हो। सिर्फ पोस्ट को ना, श्रद्धांजलि का मतलब होता है, आत्मा का श्रद्धांजलि तभी होता है जब इनके परिवार शांति से सुखमय जिंदगी गुजारने लगे। जी हाँ, वादा किया था मसूरिया कि मैं इनके बच्चों को इनके परिवार को देख रेख करूंगा आजीवन, लेकिन यहाँ तो घड़ियाली आंसू तभी बहाता है जब इस प्रकार के फोटो जो दिख रहा है आपको, तस्वीर समाचार न्यूज में आए, इस प्रकार की खबरें बने। ये कहानी पूरा वही ला बनाता है कि जब स्टारडम पाना हो ना तो हम मतलब कोई आओ एक्टर नहीं जाता, यही कहा जाता है, और सबका वादा नहीं है, कोई अपन वादा से अथी मुकरना चाहता है, कोई नहीं मुकरना चाहता है। सबसे पहले ऐसा चीज पे इसको मजा आता है, और हम कुछ ऐसा बड़ा चीज हो जिसके स्टारडम लेने हम जाए वहाँ, और कॉन्ट्रोवर्सी बना रहे, मतलब खाली हमरे चले। तो आज भी खबर सच्चाई है कि ओकरे चल रहा है। नीच को मसूरिया को हम बता देना चाहेंगे आपको, एकरा अगर हम इसको वादा किए हैं ना कि तो जिंदगी हर मुसीबत में काम आएंगे, तो हम अपने से याद ना करेंगे, हमारा चार लोग याद दिलवाएगा। हाँ। कि अब समारोह को वादा किए थे। अरे मानते हैं कि तू बहुत बड़ा स्टार है, तोरा पास टाइम नहीं रहता है, मैनेजरवा का जब टाइम मैनेजर काले रख ले हो, उंगली करावेला टीम तो है कहला विवेक करता है कुछ भी इस प्रकार की पहली मानसिकता इस नहीं। एक अच्छा एक बात बताओ, हम पूछल चाहो तोरा से एक बात बताओ, निरहुआ जी श्याम देहाती के कौन सा गाना गलती है जे पूरे परिवार पूरे बाल बच्चा के एकदम दारोमदार अपना पे ले लेती है? दिनेश लाल यादव निरहुआ जी फिर देते हैं बाल बच्चा के एडमिशन, हालांकि श्याम देहाती जी के वाइफ कहल थी कि हम सरकारी में कराने जा रहे हैं। तो बोले वो निरहुआ जी बोल रहा थी कि अब अपना जिंदगी तो आपका खराब हो ही गया, कोई के पति अगर ना रहे होकर जिंदगी में खराब है ना, मतलब कोई लेडीज की जिंदगी सही में खराब हो जाए, बच्चे का जिंदगी यूं ही काहे खराब कीजिएगा बताइए। तो पहले तो हम निरहुआ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, और जैसा छवि पूरा इंडस्ट्री में पूरे भोजपुरी जगत में है, प्रभु श्री राम करे कि आपको आजीवन ऐसे ही बना रहे जैसा आप नेक दिन इंसान है। लेकिन बात कुछ इस कदर है भैया की हमारी समझे पड़ता है, आई गाना खाली और खाली यूट्यूब पर लावित है, यूट्यूब पर 10 मिलियन में कितना व्यूजा है, कितना पैसा कमाई थे, 20,000-30,000 रुपया हर गाना क्या हुआ, महीना के 2-3 लाख रुपया कमाई था, ओकरे मैनेजर तैनेजर के मैनेज कर हम नहीं समझ सका है, लेकिन ओहनी ना समझ सका तो जहाँ वादा कर लें वादा ना करे की पूरा जीवन है उसका हम पढ़ाई करेंगे, जिसका पिछला बार हमने वीडियो बना ली है। जी हाँ, अमरजीत जी के जो आर्मी के देश के जवान हलती उनका दो बच्चा के पढ़ाई लिखाई की जवाबदारी 1 साल ले ली। हाँ। समझ ले ही, ओकर बाद हमारे टीम से बात हो लई तो का कहन है कि कंट्रोवर्सी उसमें हो गया। हाँ। उसमें बहुत लोग अपना नाम कमाने लगा, तो ठीक है ना, वो पैसा दे। अरे ससुरा, फोटो तोर छपतो अखबार में, न्यूज तोर बनता, दुनिया संसार तोरा जानता तू। हाँ। और पैसा दूसर को देती रे, और दूसर कोई कहाँ नाम कमल की हो, हमने तो ना देखा ली कहीं पड़ी फोटोइया में, अखबार तो देखी ना, वो कहा मैं साफ देखी ना हेडलाइन, वो चले और ना देख लें। हाँ। खेसारी लाल यादव जी करेंगे बच्चे का देखभाल, और तोरा याद दिया पड़ती है अब, मतलब इतना निस्तार रे। अरे जब देख दिक्कत कुछ ना हो, बहुत लोग ऐसा ना थे भोजपुरी इंडस्ट्री में, पवन सिंह है केकरो से वादा ना करा है ना कुछ करा है तोड़ा है, अरे बहुत ना तोरो अगर ना करला हो तो मत करना यार, रिपब्लिकली स्टैंड लेवे के का जरूरी है फालतू में, अब आओगे तो घड़ियाली आंसू गिरावे लगोगे, रोवे लगोगे, लेकिन अब औकात तो बढ़ गया, अब हमरा पता है कि अब घड़ियाली आंसू गिरावे की आवश्यकता नहीं है, कहा कि लोग तोरा उतना पहुंचा दिया है, अब तो गुंडाई गुंडाई करता है, क्योंकि लोग तो इतना जाहिल गंवार है तुम्हारे प्रशंसक लोग, उसको उसकी माँ बहन की चोली खोल दो या चड्डी खोल दो कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको, उसके पापा और तोरा में कोई अंतर समझ में नहीं आता। नहीं पैदा ऐसे हुआ कि तुम जैसे नीच लोगों का समर्थन करेगा और करता रहेगा आजीवन, और तुम्हारा जिंदगी चलता रहेगा। बाकी देखिए और विचार कीजिए, लगातार जिस प्रकार से
श्याम देहाती जी की पत्नी गिड़गिड़ा रही है, गा रही है, तो इतना तक कह दी कि खेसारी लाल यादव जी रूम के रेंट हमारे मुंबई के दिए थे। अब गाना के था वो बकाया, किसका था वो तो ना पता है, वो तो अब ऊपर चले गए, कौन बताएगा। 40,000 रुपया समझे कि नहीं। अब जब न्यूज खबर वायरल हुआ है तो लोग कह रहा है कि खेसारी लाल यादव जी को बेइज्जती मत करो लोग, अपमानित मत करो लोग। कहा ना न्यूज वाले से पहले पहुंच गया भाई, ज्यादा अपमानित लग रहा था। हाँ भाई, जाना चाहिए जाके। अरे यार, हर एक चीज में तोरा लाइव आवा नहीं हो, एगो गाना आवा छोटे को तोकरा ला लाइव, देखो सब ला लाइव, फेसबुक हाई का है, लाओ ना लाइव, बोल ना का है। इंटरव्यू पत्नी को हलु हल्लाई बा देते हैं कि व्यस्तता कारण नहीं आ पाए हैं, दो दिन बाद आएंगे। इन अभी कुछ तोर कोई बयान ना हो, कोई खोजे खबर ना, क्योंकि तोरा तो पब्लिक स्टंट जरूरी है, स्टंट मिलते हो, न्यूज बनी थो, खबर बनी था। बाकी देख इस प्रकार के नीचता, जो नीच लोग इसका समर्थन करते हो ना, आज देखिए और विचार कीजिए। एक नहीं दो दो इंसिडेंट जहाँ पे वादा करके भूल गया है। हम बिहार वासियों से सवाल है मेरा, क्या श्याम देहाती भैया का अधिकार जो गाना लिख के खेसारी लाल को दिए हैं और जिस गाना को गा के खेसारी लाल चमका है, या खेसारी लाल को उनका हिस्सा अधिकार उनके परिवार वालों को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? एक देश के जवान अमरजीत सिंह जी की परिवार और एक भोजपुरी के राइटर, जो इसको भोजपुरी के राइटर ही नहीं, हर कलाकार को फर्श से अर्श तक का देना बहुत वादा किया था। हालांकि कल्लू ने भी अभी इंटरव्यू में कहा है कि हम कुछ ऐसा करेंगे जो आजीवन काम आएगा। बहुत कलाकार आते तो हैं, लेकिन वही कहानी फाइनली होता है जो क्लियर स्टंट लेने के लिए उस समय बोल देता है, इंसिडेंट के समय। वैसे में हम चार को बात कह सकते हैं, क्योंकि हमको भी लोग लाख लोग देखता सुनता है। इतना नीच हरकत तुम सब मत करो, अगर औकात है तो औकात अपना फर्ज अदा करो। बाकी विदा लेना चाहेंगे, आप लोग दूर दूर तक इस वीडियो को पहुंचाइए। नमस्कार, प्रणाम, जय मगध, जय बिहार।